गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का हुआ समापन। कहा, निरंतर विकास की पथ पर अग्रसर है गोरखपुर। जल्द ही रामगढ़ ताल में मिलेगी सी प्लेन की आधुनिक सुविधा। 16 से होगा कोरोना का वैक्सीनेशन। दिवसीय दौरे पर मंगलवार की शाम अपने गृह जनपद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात मंदिर परिसर का किया निरीक्षण। बुधवार को रुद्राभिषेक कर की लोक कल्याण की कामना। गुरुवार को चढ़ाएंगे बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी। गोरखपुर महोत्सव के तहत लगाए गए विभिन्न स्टालों के स्टाल और कृषि विभाग की कृषि प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। दो किसानों को दिया ट्रैक्टर की चाबी। गोरखपुर महोत्सव के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का किया वितरण। कहा, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के जरिए दिव्यांग बन सकेंगे आत्मनिर्भर। सुगम होगी यात्रा। प्रदेश के दुग्ध विकास पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ गौ संरक्षण एवं आत्मनिर्भर पशुपालक विषय पर कार्यशाला। वक्ताओं ने गौ संरक्षण और पशुपालकों के आत्मनिर्भरता पर रखे अपने अपने विचार। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा किए गए हैं पूरे इंतजाम। नगर आयुक्त ने कहा, पूरे मेला क्षेत्र को किया गया है प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के हाल में संपन्न हुआ भाजपा के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के परिचय और सम्मान समारोह का आयोजन। वरिष्ठ पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। कहा, 2022 के विधानसभा चुनाव में जुटे कार्यकर्ता। गोरखपुर महोत्सव में सदर सांसद रवि किशन ने पहले दिन किया काव्य पाठ। गिनाई सरकार की उपलब्धियां। गोरखपुर महोत्सव के मंच पर खादी का जलवा। उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड की पहल पर हुआ आयोजन। पद्मसी वस्त्र डिजाइनर रूना बनर्जी समेत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के डिजाइनर्स द्वारा तैयार परिधानों की रही धूम। शो स्टॉपर मिस इंडिया डिंपल पटेल और अन्य प्रोफेशनल मॉडल्स के कैटवॉक ने जीता लोगों का दिल। तनूरा नृत्य पर झूम उठे लोग। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 9 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,270। अब तक 352 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 193 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर महोत्सव के तहत रीजनल स्टेडियम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का हुआ समापन। विजेता और उप विजेता टीम को राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने किया पुरस्कृत। निषाद आर्मी के अध्यक्ष रविंद्र निषाद ने कहा कि आरक्षण के नाम पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद समाज को कर रहे हैं गुमराह। सरकार मांगे नहीं पूरी कर रही है तो निषाद पार्टी तोड़े भाजपा से गठबंधन और अपने पुत्र सांसद को भी दिलाए इस्तीफा। और जिले में बदला मौसम का मिजाज। पछुआ हवाओं और गलन से कांपे लोग। बुधवार रहा इस वर्ष का सबसे ठंडा दिन। 10 डिग्री नीचे आया तापमान।